हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारा नाम ऋतिक और आप देख रहे हो ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। ओके, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ओप्पो A3s के बारे में और A5 के बारे में, जो कि आप लोग इन दोनों डिवाइस फ़ोन यूज़ करते होंगे। और दोनों ही डिवाइस की बात करेंगे तो आप लोग कहाँ पे कलर ओएस 7 देखने को नहीं मिलता है। हो सकता है आगे चल के आप लोग को देखने को मिला A5 में, बट A3s में बहुत कम चांसेस है। इसमें से मुझे बहुत से लोग कमेंट्स आए कि भाई हमारे फ़ोन में अगर कलर ओएस 7 देखने को नहीं मिल रहा है तो कुछ ऐसा तरीका बताओ जिससे हम यहाँ पे जो है कलर ओएस 7 का यहाँ पे पूरा लाभ उठा पाए। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले ऐसे ट्रिक के बारे में जिससे आप लोग जो है एक फ़ाइल की मदद से पूरा सेटअप चेंज कर सकते अपने फ़ोन का कलर ओएस 7 में। ऐसा नहीं कि आप लोग का लॉन्चर टाइप का चेंज होगा कि एप्लीकेशन आइकॉन चेंज होगा, वॉलपेपर चेंज होगा, ऐसा कुछ चेंज नहीं होगा। पूरा का पूरा सेटअप चेंज हो जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल नोटिफिकेशन पैनल, अबाउट फोन, पूरा ऑल टोटल यहाँ पे सेटअप आप लोग को जो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो किस टाइप से चेंज होगा सारा सेटअप हम आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो गाइस, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं टॉपिक की। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग को जो एक फ़ाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा, और फाइल को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप लोग को इस पेज पे आ जाना है। इस पेज पे आने के बाद ऑटोमेटिकली आप लोग का जो यहाँ पे RT सपोर्ट दिख जाएगा, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ओके फ्रेंड, तो आप लोग यहाँ पे आ जाइएगा। यहाँ पे आप लोग RT सपोर्ट दिखता है www.falak.xyz, इस पे आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली आप लोग का नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद क्या करना है यहाँ पे भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है गाइस। यहाँ पे आप लोग को इंटर कीवर्ड का जो ऑप्शन दिखता है इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग का कीपैड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप लोग को सिंपली लिख देना है कलर ओएस 7। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे आप लोग सिंपली लिख दीजिएगा कलर ओएस 7। यहाँ पे हमने इस पे क्लिक कर दिया है सर्च के ऑप्शन पे। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करते हैं ऑटोमेटिकली हमारे फ़ोन में नया पेज ओपन हो जाता है और सिंपली आप लोग को ऊपर में देखने को मिल जाएगा कलर ओएस 7 ओप्पो एंड रियलमी। ओके फ्रेंड, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कलर ओएस 7। इस पिक पे हमें सिंपली क्लिक कर देना है और इस पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली आप लोग के फ़ोन में एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप लोग को पूरे आर्टिकल की मदद से समझाया गया है किस टाइप से आप लोग इस फाइल को अप्लाई करेंगे वगैरह वगैरह, पूरा सेटअप यहाँ पे दिया गया है। अगर आप लोग चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरा दिया हुआ है और नीचे आएंगे तो थोड़ा यहाँ पे आप लोग कोड की वगैरह जानकारी मिल जाती है कि कौन सा कोड किस में लगने वाला है। और A3s और A5 की बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को V804 वाला कोड देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इस कोड को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने फ़ोन में फाइल को अप्लाई कर लीजिएगा। आप लोग पूरे फोन का सेटअप जो है कलर ओएस 7 में चेंज हो जाएगा। एंड गाइस, जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व करने की। जय माता दी।